हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार? पता नहीं क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी यार छोड़ो, ये जो कुछ भी बोलते हैं ना मुझे नहीं आता। फिलहाल हम मुद्दे पर चलते हैं। तो रिकॉइल भाई, आप लोग बोलते हो ना कि भाई रिकॉइल वगैरह, ये देखो मैं दिखाता हूँ रिकॉइल क्या होता है। यार मतलब यार पहले गन की पैटर्न होती है यार। मतलब जब बोलता हूँ ना मैं कि आप जो एक गन उठाते हो वहीं उठाओ, उससे परफेक्ट हो जाओ यार, तो उसके लिए चलो सिंपली सबसे स्टेबल और रिकॉइल के लिए बेस्ट रहता है M4, है ना? M416। और भाई M416 और D6F के साथ तो यार OP होता है ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। पहले विदाउट अटैचमेंट यूज़ करेंगे, एक्सटेंड ले लेते हैं बस। ये अटैचमेंट छोड़ो। तो भाई जब भी आपको एक बात बता दूँ, एक होता है विथआउट जैरो, जो थंब प्लेयर रहता है इसको क्लॉ भी यूज़ करते हैं, विथआउट जैरो विथ जैरो। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा विथ जैरो है, विथ जैरो है और क्लॉ है, ये तो आप देख ही रहे। तो ये शिक्षक का देखो, ये मैंने ऐसा इसलिए कर रखा है क्योंकि जब शिक्षक ATX ना मिले और स्नैपिंग करनी पड़ जाए यार, तो मतलब हाई सेंसिटिविटी के साथ स्नैपिंग नहीं होती, नहीं होती मतलब मेरे से नहीं होती भाई। होते हैं करते हैं बंदे यार, मतलब सबका अपना अपना एक फंडा है, मेरे से नहीं होता। तो चलो इसको मैं 3X बना देता हूँ और फिर देखो इसकी कोयल दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये है विदाउट अटैचमेंट, कोई अटैचमेंट ही नहीं लगाया देख सके। अब चलो अटैचमेंट के साथ देखते हैं। अब ये रहा अटैचमेंट की बात करें तो यार मतलब कोई बंदे सप्रेसर लगाता है, कोई कंपनसेटर लगाता है, कोई फ्लैशलाइट रहना, जो मिल जाए वही लगाते हैं बस। लेकिन अगर बात चॉइस की करें तो मैं कंपनसेटर चूज़ करता हूँ हमेशा। और बात रही ये ग्रिप जो है ना, ग्रिप, ये लेजर ग्रिप, थंब ग्रिप, हाफ ग्रिप, लाइट ग्रिप, वर्टिकल ग्रिप एंड एंगल ग्रिप, तो इनके बारे में समझते हैं आप क्या है। देखो सब ले रहा हूँ, क्या क्या हुआ, सब हो गया ना? हाँ सब हो गया, चलो चलते हैं। तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है एंगल ग्रिप। तो एंगल ग्रिप यहाँ पे क्या करता है आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, फास्टर एमिंग एंड रिकॉइल के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो चलो इसको ट्राई करते हैं सबसे पहले। भाई ये मुझे सबसे अच्छी इसलिए लगती है यार, मतलब जो फास्ट एमिंग के लिए है ना, जब जितना फास्ट आप स्कोप खोलते हो, देखो वो ग्रिप पे भी डिपेंड करता है भाई, आपका स्कोप कितना जल्दी खुलता है और कितना जल्दी आप एम कर पाते हो। देखो ये ग्रिप पे भी डिपेंड करता है। और बात रही आपकी सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी यार मैं अभी समझाता हूँ सेंसिटिविटी क्या होता है। पहले ये ग्रिप का समझ लेते हैं ना। और ये जो है हाफ ग्रिप, ये हाफ ग्रिप और ये एंगल ग्रिप सिमिलर है, वैसा ही है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। थोड़ा सा एम उठा लेते हैं, ये लोग यार ज़्यादा फायरिंग करने की वजह से मैं भी आपको ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा शायद, मुझे मैंने हेडफोन लगा रखा है और मुझे बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है, तो थोड़ा दूर चलते हैं ठीक है। ये बॉगी रखा है किसी ने। ओके PCG है यहाँ पे, कितनी शांति है देखो। ओ भाई साहब वहाँ से स्प्रे पेल रहा है मुझे, देखो ओपी भाई। तो भाई देखो अब समझते हैं ग्रिप के बारे में। यहाँ पे जो हाफ ग्रिप है ये भी सेम ही है, बस इसका फर्क आप देख लो, ये रहा हाफ ग्रिप और ये रहा एंगल फॉल ग्रिप।
दोनों में एक ही बात है, बस ये जो हाफ ग्रिप है ना, इस पे आपका स्किन थोड़ा सा सेक होगा, जैसे कि ये आप डिफरेंस खुद ही देख लो इस पे कितना सेक हुआ और इस पे कितना सेक हुआ, थोड़ा सा सेक इसमें ज़्यादा है और वो एंगल ग्रिप में कम है। तो बात करते हैं लाइट ग्रिप की, ये थंब ग्रिप नहीं लाया, तो लाइट ग्रिप पे देखना आप कितना सेक करता है। इस पे क्या है देखो, यहीं पे जो आप जब ग्रिप उठाओगे वहीं पे दिखा रहेगा, इंक्रीजेस रिकॉइल रिकवरी एंड स्टेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे ये कितना सेक करता है स्किन को, देखो बहुत ज़्यादा सेक करता है इसे। वैसे तो मेरा जायरोस्कोप की वजह से रिकॉइल कंट्रोल पे जा रहा है, वरना इस सेट में भी नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ। मतलब आप देखो जब स्प्रे करते हो तो कितना दूर लॉन्ग रेंज पे करते हो, किसको करते हो, ये भी मैटर करता है। देखो अब जैसे कि मान लो बंदा यहाँ है 214 मीटर, और इस पे अगर आप फुल स्प्रे मारोगे ना, तो भाई आपकी 40 गोली में 4 गोलियाँ ही लग पाएगी उसको, सिर्फ 4, वो भी अगर सही से एम हुआ तो। अगर मूविंग टारगेट हो तो ना ही के बराबर, तो उस पर सिंगल रिकॉइल मारो, सिंगल टैप करो उस पर। सिंगल टैप पे आपको 40 में कम से कम 10 गोलियाँ तो लगी जाएगी, नॉक तो कर ही दोगे यार। तो अब चलो बात करते हैं सेंसिटिविटी की। तो यार एक होता है देखो जायरोस्कोप में, एक होता है थंब, जो सेमी जायरो बोलते हैं इसको, लो जायरो बोलते हैं, और इसको फुल जायरो बोलते हैं। तो मैं जो हूँ वो फुल जायरो प्लेयर हूँ, ठीक है। मतलब फुल जायरो प्लेयर में जो आप जो बोलते हो ना लेजर, ये देखो लेजर भाई, बंदा हिल नहीं पाएगा, इसको फुल जायरो बोलते हैं, ठीक है। फुल जायरो मतलब आपको हर कुछ जायरो से ही कंट्रोल करना है। जैसे कि अब ये देखो बंदा मूव कर रहा है ना, अगर मैं पिक करके मार रहा हूँ तो भाई मैं पिक से कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। अगर अगर मैंने फायर पहले दबाई और उसके बाद पिक किया तो चलो कंट्रोल कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैंने पिक पहले दबाया और फायर किया तो ये कंट्रोल नहीं होता भाई। मैं थंब हिला रहा हूँ लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है, स्वाइप नहीं कर पाता। अगर जैसे मैंने पहले फायर किया और उसके बाद पिक किया तो कंट्रोल कर पाता हूँ। देखो तो ये डिफरेंट होता है, कभी कभी ना पैनिक सिचुएशन में यार हम लोग भूल जाते हैं, मतलब कर नहीं पाता, मैं भी नहीं कर पाता भाई कभी कभी जो होता है ना। तो ये फुल जायरो यही आपको बेनिफिट देगा कि कंट्रोल आप कर पाओगे। ये देखो जैसे कि मैं पहले पिक करता हूँ उसके बाद फायर करता हूँ, जायरो से कंट्रोल करता हूँ। ये मैंने पिक किया और ये देखो ये मैं जायरो से कंट्रोल कर रहा हूँ, इस पे फिंगर का कोई काम नहीं, ठीक है। और बात रही यार, आप लोग जब भी स्प्रे करते हो ना तो ट्राई करो कि आपकी फेवरेट ग्रिप ले लो। जैसे कि वो लोग बोलते हैं वर्टिकल ग्रिप, यार वर्टिकल ग्रिप होती है, बेटर है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको स्प्रे के लिए, वो भी लॉन्ग रेंज स्प्रे के लिए। यार वर्टिकल अच्छी नहीं होती लॉन्ग रेंज स्प्रे के लिए, हाँ, लेकिन क्लोज रेंज फाइट लेनी है तो यार वर्टिकल इज़ बेस्ट, ये मैं बोलूँगा यार। मगर क्लोज रेंज फाइट के लिए अगर खेलते हो तो यार अपना अपना चूज़ कर लो यार, कौन सा गन आप लॉन्ग रेंज पे स्प्रे करोगे, कौन सा मिड रेंज पे, और कौन सा मतलब क्लोज रेंज पे, तो ये आप पे डिपेंड करता है यार। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा, चलो सेंसिटिविटी की ओर चलते हैं। अब यार सेंसिटिविटी समझ लेते हैं, सेंसिटिविटी क्या होता है देखो। अब यहाँ सेंसिटिविटी पे जाओ तो यहाँ देखो यार, कैमरा सेंसिटिविटी ये फ्री लुक के लिए जो हम लोग आई बटन को जो घुमाते हैं, ये वाला, ये इसको बोलते हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसको आप रख लो, जितना जल्दी आप बंदे स्पॉट कर सकते हो उतना फास्ट रख लो, जैसे कि मैं रखता हूँ इतना फास्ट, तो मुझे दिख जाता है यार बंदे कहाँ है कैसे है। देखो अब किसी को क्या होता है ना, अब इसको हाई कर देता हूँ, चलो चलो इसको हाई करके देखता हूँ, नहीं दिखेंगे यार इतनी जल्दी, देखो कहाँ से कहाँ कहाँ कैसे देखोगे बंदे कैसे। तो यार ये भी एक होता है यार, मतलब फास्ट करो लेकिन इतना करो कि आप तो कंट्रोल में आए, आप समझ पाओ उस चीज़ को कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो मेरा तकरीबन इतना ही, इतने पे मैं परफेक्ट हूँ भाई, मुझे दिख जाते हैं बंदे। और वैसे भी दौड़ते हुए ऐसे स्पोर्ट करना यार सही है, मतलब फ्री लुक का ये बेनिफिट है। लेकिन अब बात करते हैं हमारी ये कैमरा सेंसिटिविटी पे। यार कैमरा सेंसिटिविटी देखो, कैमरा सेंसिटिविटी होता क्या है, अगर मैं इसको पूरा लो कर देता हूँ ना, देखो ये जो आप भाग रहे हो ना और ये ऐसे ऐसे देख रहे हो, ये है कैमरा सेंसिटिविटी। ये जो आप ऐसे स्वाइप करोगे तो पूरा देख लो, अगर एक बार आप स्वाइप करो तो 360 घूम जाओ आप,
तो यार वो हाई सेंसिटिविटी हो गई। जैसे कि मतलब मैं पहले 300 रखता था, लेकिन चलो थोड़ा थोड़ा मैंने कम किया क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी। पहले मैं 300 का था लेकिन थोड़ा कम किया मैंने। तो यार इसको पूरा लो कर देते हैं ना, तो देखो कितना टाइम लगेगा मुझे स्वाइप करने। स्वाइप ही नहीं हो रही भाई एक पे। तो ये जो कर रहा हूँ ये जायरो है भाई। ये जायरो को ऑफ करके दिखाता हूँ अभी। हाँ ये चलो जायरो को मैंने क्लोज़ किया। फिर देखो कुछ हो ही नहीं रहा भाई, हिल ही नहीं रहा। मतलब ये है यार जो सेंसिटिविटी है, ये है। देखो अब इसको आप कितना हाई रखते हो, कितना जल्दी आप घूम पाते हो, कितना जल्दी। अब मानो क्लोज रेंज की फाइट ले रहे हो, है ना। अब मान लो यहीं पे बंदा मेरे पास है, यहाँ पे बंदा मेरे पास है और इसको मारना है, तो भाई कैसे कहाँ घूमूँ, घूम ही नहीं रहा यार, नहीं होता। तो यार इसको देखो थोड़ा अपने कंट्रोल, जैसे बंदा है मान लो, इमेजिन करो यहाँ पे बंदा है और इसको मारना है, तो भाई ये देखो कितना जल्दी हो रहा है भाई स्वाइप। मतलब ज़्यादा करना ही नहीं पड़ता यार। और आईपैड वालों से यार अपने आप को कंपेयर मत करो। आईपैड पे स्वाइप करने के लिए बहुत सारी जगह होती है और यार फ़ोन पे बहुत कम। जैसे कि आप देख रहे हो ये पिक का बटन और ये फायर का बटन, इसी बीच में स्वाइप करना है मुझे। अब इस पे मुझे सेंसिटिविटी कंट्रोल करना है भाई, इसी के अंदर ही मुझे स्वाइप करते रहना है। तो जब इतना ही स्वाइप करो ना इसी के बीच में, तो देखो कितना हो जाता है यार, बहुत है ये। मतलब ये हाई सेंसिटिविटी होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं 2x 3x वगैरह की जो यहाँ पर है। ये देखो जैसे कि हम ऐसे बिना स्कोप पहले स्वाइप करते हैं वो है, और ये रेड डॉट होलोग्राफी की और एम असिस्ट की बात करते हैं। देखो अब ये रेड डॉट खोल गया है ना, रेड डॉट है नहीं, लाया नहीं। चलो विदाउट रेड डॉट दिखाता हूँ, एम असिस्ट की बात करते हैं। ये जो है ना ये देखो, इसकी मैं बहुत कम कर देता हूँ सेंसिटिविटी। ये लो तो भाई देखो स्वाइप नहीं होती, कितना स्वाइप हो रहा है देखो भाई। मतलब जितना छोटा स्कोप हो उतना उतना हाई सेंसिटिविटी रखो उसकी, और जितना बड़ा हो उतना कम रखो। क्योंकि दूर से बंदे, अगर आप ज़्यादा ज़्यादा स्वाइप पास में नहीं कर पाओगे और बंदे ज़्यादा फास्ट होंगे तो यार पकड़ नहीं पाओगे उसको, ठीक है। अब ये देखो पकड़ लेता हूँ यार। मतलब खुद खुद समझ लो यार, ट्रैक किसी चीज़ को ट्रैक करने की कोशिश करो। इस पे आ जाओ, चलो सामने चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आगे दिखाते हैं, चलो अब देखो अब यहाँ पे आ जाओ और ये मूविंग टारगेट कोई बंदा, इसको समझ लो और इसको ट्रैक करने की कोशिश करो। क्या आप उससे आगे जा रहे हो, उससे आगे जा रहे हो मतलब आपकी आपकी सेंसिटिविटी हाई है, तो उसको कम करो। जैसे कि मतलब ये मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए हाई हो रहा है अभी, तो इसको इतना भी रखते हैं। चलो देखते हैं, ये देखो मैं ट्रैक कर पाता हूँ यार। मैंने अभी जायरो ऑफ कर रखी है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस तो जायरो से है ना भाई। तो चलो इसको देखते हैं, ट्रैक कर लेता हूँ यार। ये देखो इस तरह से आप हर हर स्कोप की सेंसिटिविटी मिला लो। जैसे कि आप बात करते हैं थोड़ी बड़े स्कोप की, चलो 2x 3x वगैरह की बात कर लेते हैं। ओ भाई यार हाँ, 4x ले लें, 8x ले लें और एक स्नाइपर ले लें। चलो स्नाइपर की बात करते हैं। आप देखो स्नाइपर पे जो है, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा यार। मतलब स्नाइपिंग के लिए कुछ टिप्स जो है ना, अलग वीडियो बनाऊंगा उस। ये जो होता है ना यार, मतलब हमेशा बंदे पे इसको खुलना चाहिए। ये जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे करके स्वाइप करके बंदे ढूंढ के मारोगे यार, तब तक तो मैं ही आपका हेडशॉट ले लूँगा भाई। सही है, लेकिन यार इसके लिए अलग वीडियो होगी, लेकिन अभी तो सेंसिटिविटी के ऊपर बना रहा हूँ मैं। तो सेंसिटिविटी की बात करें तो यार ये क्या हो रहा है मेरा लैपटॉप भाई, सॉरी वो लैपटॉप में इशू हो गया था, मेरा साउंड रिकॉर्डिंग लैपटॉप की लैपटॉप से कर रहा था, तो बस यार साउंड बीच में कट हो गया और मुझे पता नहीं चला यार, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी वीडियो पे, वीडियो वही है बस साउंड वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस पर।
तो देखते हैं कहीं पे मिसिंग हो सकता है मेरा भाई शायद। तो ये जो फोरेक्स मैंने यूज़ किया अभी, तो ये फोरेक्स जो है ना भाई, मतलब ऐसा जो फोरेक्स पे जो मैंने सेंसिटिविटी लगा रखी है वो स्प्रे के लिए लगा रखी है, तो दिक्कत होती है यार मतलब स्नाइपर पे मेरे फोरेक्स चलाना, तो इसलिए 6S को मैंने चला रखा है। और स्नाइपर में फोरेक्स के साथ बहुत कम चलाता हूँ जब कोई ऑप्शन ही ना हो, तो इसलिए 6S पे मैंने लगा रखी है। तो 6S की सेंसिटिविटी आप देख सकते हो, मतलब वो स्नाइपिंग के लिए ही रखी है मैंने। और इसको 3X बनाऊँ तो वो सेंसिटिविटी 3X की लग जाती है ना उस पर, तो होता नहीं है यार 3X स्नाइपिंग। तो यार खुद खुद ही चॉइस कर लो कि किसे कौन से स्कोप से आपको स्नाइपिंग करनी है, कौन से स्कोप से आपको ये स्प्रे करनी है, ये आप उसकी अलग सेंसिटिविटी रखो जो स्प्रे करते हो, और उसकी अलग रखो जिसकी जिसकी जिससे स्नाइपिंग करते हो। तो स्नाइपिंग के लिए मैं यार एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट पे, अगर इस पर अच्छा सपोर्ट आया, इस पर आप लोग अच्छी लगी तो यार आप लोगों का सपोर्ट हो तो अच्छा लगता है यार बनाने में मतलब। और बात करते हैं यार पैटर्न की, तो ये देखो ये जो है ना, ये पैटर्न ये M4 की पैटर्न है, आप देख सकते हो उस बोर्ड पे जो एमिंग बोर्ड बनाया हुआ है पर जो कुछ भी बोलते हो उसको, तो उस पे यार अब देखते हैं ये M4 की पैटर्न तो आपने देख लिया, अब देखते हैं AKM की। यार मैं हमेशा बोलता हूँ ना एक गन पे परफेक्ट हो जाओ यार, मतलब आप एक गन का रिकॉयल परफेक्ट इतना परफेक्ट करो कि यार बेटर रहे जो आपका रिकॉयल है ना, एक गन कोई भी ले लो AKM M4 या बैरल जो भी आपको अच्छी लगती है यार उसको ले लो और उस पर ही प्रैक्टिस करो, दूसरा गन चूज ही मत करो यार। मतलब होता है ना यार बंदे स्नाइपर ले लेते क्या करते हैं, ये देखो ये AKM की पैटर्न अलग है, M4 की पैटर्न अलग है, आपको कुछ दिख रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ स्वाइप वगैरह कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ। आप जाओ ट्रेनिंग मोड पे और यहाँ जाके आप ट्राई करो कि किसका कौन से गन का कैसा पैटर्न है। ये देखो फायरिंग पैटर्न इसका कैसा बन रहा है, जिगजैग बन रहा है, और इसका देखो ये ऊपर की तरफ भागेगा जो AKM है उसकी उसकी पैटर्न ऊपर की तरफ भागेगा। ये देखो मैं स्वैप वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ये बस ADS बता रहा हूँ आप लोगों की, मतलब कितना रिक्वायर इसका कितना ज़्यादा है। अगर ये कंट्रोल कर पाते हो, समझ लो आप हर बार यही चलाते हो AKM चलाते हो, इसका आपने रिक्वायर कंट्रोल कर लिया बेटर, आपने बहुत बेटर कंट्रोल कर रखा है ठीक है AKM का। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप M4 उठा लेते हो और M4 के साथ वही करो जो अभी आप AKM के साथ किए, और जितना स्वाइप किया AKM के साथ उतना ही आप अगर M4 का करो तो वो नीचे चला जाता है। ये देखो जैसे AKM का ये परफेक्ट रिकॉइल हुआ है ना, और उसको आप M4 पे उतना ही स्वाइप करो जितना आपने अभी AKM पे किया, तो ये M4 नीचे चला जाएगा। ये देखो अभी ये नीचे जाएगा, देखो मैं उतना ही स्वाइप कर रहा हूँ जितना उस पर किया, लेकिन ये नीचे जाता है भाई, जो हेड पे लगना चाहिए वो नहीं लग जाता है, वो नीचे जाता है। तो इसी वजह से कितने गेम में आप यार क्लोज रेंज फाइट हो या कहीं पे स्प्रे स्प्रे कोई इनिमी कम्पीट करे तो यार डाउन हो जाते हो। तो यही होता है यार, पैटर्न पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या है कौन सी गन है, और जैसे आप मतलब एक पे परफेक्ट हो जाओ फिर उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस करो तो पता चल जाता है यार, मतलब इस पे इतना स्वाइप करना है, इस पे इतना स्वाइप करना है। हालांकि मैं जायरो खेलता हूँ तो जायरो पे इतना सोचना नहीं पड़ता है। ये देखो बिना स्वाइप के इसका पैटर्न कैसा जा रहा है, अभी मैं इसको स्वाइप करूँगा तो कितना नीचे आएगा, ये देखो। तो यही यार यही डिफरेंस है यार, मतलब जो क्या बोलते हैं वो ADS की बात करते हैं ना, ADS देखो अब मैंने सेंसिटिविटी उसकी 185 रखती है ना, तो 185 पे जब मैं सेंसिटिविटी रखती तो देखो कितना स्वाइप हो रहा है, वो कितना स्वाइप हो रहा है। ये AKM की सेंसिटिविटी में अगर यहाँ पे चलाऊँ तो देखो क्या होता है, एमओ भी ख़त्म हो गया, एमओ लेने जा रहा हूँ रुको उसके बाद बता रहा हूँ यार। वैसे ये मेरी पहली वॉइस ओवर वीडियो है यार, तो थोड़ी यार दिक्कत हो रही है यार, क्या बोलूँ ना बोलूँ समझ नहीं आ रहा है, तो समझ लेना यार थोड़ी सी। तो ये देखो ये सब स्वाइप की वजह से, जायरोस्कोप नहीं ये सिर्फ स्वाइप है। और यार जब एम करते हो यार, एमिंग के लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा यार, कैसे एम बेटर करे, रिफ्लेक्स कैसे बेटर करे यार, तो उसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, और चाहिए मेरी सेंसिटिविटी भी, बहुत लोगों ने पूछी यार सेंसिटिविटी आपकी दिखाओ, तो मैं दिखा देता हूँ भाई, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि मेरी ही सेंसिटिविटी आप कॉपी करो, कि मेरी नहीं किसी की भी नहीं यार, किसी की भी कॉपी मत करो, खुद जाओ ट्रेनिंग मोड पे एक आधे घंटे बिताओ उस पर और देखो यार क्या होता है। मतलब सब गन पे सब हर पर्टिकुलर स्कोप पे अपना सेंसिटिविटी लगाओ, देखो क्या होता है कैसे होता है,
तो यार उस तरह से आप जाओ, 1-1.5 घंटे बिताओ और वार मोड वगैरह खेलो, देखो कितना इम्प्रूव हुआ। तो मेरी सेंसिटिविटी अगर आपको चाहिए ही तो ये लो, मैंने दे दिया। अगर आपके लिए काम करे तो बहुत अच्छा है यार, लेकिन अगर काम नहीं करे तो यार मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और ये देखो मेरा जायरोस्कोप हाई पे है, जैसे कि आपने देखा, और ले लो जो स्क्रीनशॉट लेना हो तो। मगर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि किसी की भी आप कॉपी करो। मैंने भी कॉपी की बहुत लोगों की, लेकिन यार मेरे लिए काम नहीं किया, तो मैं खुद अपना बनाया और उसके बाद मेरे लिए काम किया। खुद का बनाया हुआ तो मैं दूसरे की कॉपी क्यों करूँ। और जब एम करते हो तो यार मतलब बंदे पे ही फायर हो, बंदे पे ही लगे, ऐसा ऐसा ऐसे करो यार। मतलब फायर वगैरह करो, लेकिन यार जहाँ पे चाहिए बंदे वहीं पे फायर हो, ऐसा तुमको ऐसा ड्रिल तुमको सीखना पड़ेगा यार। मतलब कहाँ पे तुम जा रहे हो, कहाँ पे स्कोप खुलेगी। अब बंदे उसको मार रहे होते हैं और उसके बाद स्कोप खोलते हैं, देखते हैं कहाँ है स्कोप खोल के। भाई स्कोप खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है यार, 100-200 मीटर आप स्पॉट कर लेते हो बिना स्कोप के, दिख जाता है बंदा। आप ऐसे गौर से देखो तो दिख जाता है। तो ये जो ड्रिल है ना, ये ड्रिल आपको मैं दिखाऊंगा दूसरे, जब दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ये दो वीडियो तो ज़्यादा लंबी हो गई यार, 20 मिनट हो गई। आप लोग बस यार देख लो जो कुछ भी है, कमेंट कर दो कैसा लगा, क्या हुआ। और उसके बाद आइडिया सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिविटी मैंने बताया वो मिलाओ, खुद जाओ ट्रेनिंग मोड पे, अपना सेंसिटिविटी सेटअप करो। फिलहाल के लिए इतना ही, अब क्या बोलूँ। तो जितना हो सके प्रोन होके, जितना हो सके क्राउच होके फायर करने की कोशिश करो, ताकि आपकी फायरिंग स्टेबल हो। और यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, जो जिसके आप चाहते हो जिसका गेम इम्प्रूव हो, जो गेम अच्छा खेलता हो उसको यार टिप मिल जाए, तो यार दे दो यार ये वीडियो, उसके लिए भी काम लग जाएगी यार। मेरा मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा जब आप लोग सपोर्ट दोगे। तो यार चलते हैं यार, मिलते हैं दूसरी वीडियो पे। बाय बाय।